हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के नए लेक्चर में। और आज से बेटा हमें फंक्शन स्टार्ट करना है। और जैसा कि मुझे बच्चों ने बोला था कि आप रिलेशंस के सर होमवर्क के लिए हमको क्वेश्चन दे दीजिए और आप उसके आंसर भी दे दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए एक स्लाइड दे रहा हूँ जिसमें कि रिलेशंस के कुछ अच्छे से क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो उस स्लाइड का या उस प्रैक्टिस शीट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से उस प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड करिए। जरूर आप उन सवालों को अटेम्प्ट करिए और जो भी सवाल आपका फंसेगा आप मुझसे कमेंट्स में उस सवाल को पूछ लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद फंक्शंस। सो बेटा जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने फंक्शंस का आपके लिए ठीक ठाक एक डेफिनेशन और थोड़ा सा थ्योरी का पॉइंट लिख दिया है, सो दैट कि हमारा समय भी बचे और मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। अब आपको ध्यान इस बात पर रखना है कि ये रिलेशन से अलग है। रिलेशन वाला डेफिनेशन मैं नहीं बोल रहा हूँ, फंक्शन में मैं क्या बोल रहा हूँ, let a and b be two sets and let there exist a rule or a manner or a correspondence। दो सेट्स के बीच में कोई भी एक रूल या किसी तरीके से मैनर और a correspondence f, ये f है फंक्शन। रिलेशन हम r से बोलते थे, फंक्शन के लिए मैं f बोलूंगा। रूल और a manner और a correspondence f which associates to each element, ये ध्यान देने वाली बात है, each element of a to a unique element in b। बोलने का सेंस ये है बेटा, बोलने का भाव ये है कि रिलेशंस और फंक्शंस, रिलेशंस एक बड़ा टर्म है, रिलेशंस एक बड़ा टर्म है और उसका एक भाग या उसका एक स्पेशल केस या उसका एक सबसेट फंक्शन होता है। फंक्शंस वो तरीके के रिलेशंस होते हैं, सारे फंक्शंस रिलेशन होते हैं पर सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। तो फंक्शंस जो होते हैं वो तरीके के रिलेशंस होते हैं जिसमें कि हर एलिमेंट की मैपिंग हो और हर एलिमेंट की मैपिंग केवल और केवल एक बार हो, मतलब एक ही एलिमेंट से हो। देख लो, associates to each element of A to a unique element in B। A का हर element map होना चाहिए और किसी एक से ही map होना चाहिए, ठीक है? Then F is called a function or a mapping from A to B। It is denoted by the symbol F from A to B। और A को B से relate करने वाला जो function है वो F है। ये दो तरीके से आप बेटा इसको लिख सकते हैं, ठीक है? अब ये अगर हमने लिख लिया, इसका रीडिंग इस तरीके से, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी या एफ मैप्स ए टू बी, एक ही बात। ये डेफिनेशन है, अभी इसके हम अलग अलग पॉइंट्स देखेंगे। आपने अगर पिछले दो लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा अलग अलग, अभी हम बेटा जब पॉइंट्स देखेंगे तो ऑटोमेटिकली कई सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें जो एक पॉइंट है वो क्या है, इफ एन एलिमेंट ए फ्रॉम सेट ए इज एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट बी देन बी इज कॉल्ड द एफ इमेज ऑफ ए। मैंने आपको इमेज और प्री इमेज का कंसेप्ट रिलेशन में बताया था। B वाला जो एलिमेंट होता है, देखो ध्यान से, मान लो ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है। लेट अस सपोज दिस इज अवर सेट A एंड दिस इज अवर सेट B, ठीक है? और इन दोनों को रिलेट करता हुआ एक फंक्शन है F मेरे पास। अब आपको ये बोला जा रहा है कि अगर इसका एक एलिमेंट A है और अगर इसका एक एलिमेंट B है और अगर A और B को मैंने इस फंक्शन से रिलेट किया है, तो ऐसे वाली स्थिति में इस B को इमेज कहा जाता है किसका, A का अंडर द फंक्शन F, या A को कहा जाता है प्री इमेज ऑफ B अंडर द फंक्शन F। देखो B इज कॉल्ड द F इमेज ऑफ A और इमेज ऑफ A अंडर F और द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट F इक्वल टू A, फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी आप जैसी A डालेंगे, जैसे मान लो y इक्वल टू fx होता था बेटा, अपन बचपन में पढ़ते थे y इक्वल टू fx होता था और बोला जाता था बताओ x इक्वल टू 2 पे क्या आएगा, तो आप y क्या बोलते थे, आप y इक्वल टू एफ ऑफ टू बोलते थे। वही वाली बात कि जैसी मैं, अगर मुझे इमेज निकालना है, अगर मुझे इमेज निकालना है, b वाला पॉइंट इमेज कहलाता है, अगर मुझे इमेज निकालना है तो इमेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट को x की जगह पे डाल दूंगा, तो वही लिखा हुआ और द वैल्यू ऑफ फंक्शन f एट a, a पर जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी उसको भी आप इमेज बोल सकते हैं। ऑल्सो a इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ b, A is called the pre-image of B, मैंने आपको बताया था, या आप उसको argument भी बोल सकते हैं B का आप उसको argument भी बोल सकते हैं कि कौन सी चीज को रखने पे B मिलता है। तो अगेन ये definition वाला point है बेटा, बहुत ज्यादा मेरे लिए exam relevant तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरा definition जितना मजबूत होगा उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए आगे की चीजें समझने में। तो अब बेटा डेफिनेशन वाले पोर्शन के बाद हमारे पास लिखा हुआ है फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जैसे आपको ये बात पता थी कि रिलेशंस जो होता था, रिलेशंस में क्या होते थे, रिलेशंस में जितने तरीके के हमें आंसर्स मिलते थे वो सारे के सारे हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता था पूरा का पूरा, उसी के कुछ
सबसेट होते थे, उसी के कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स होते थे जो मिलके एक रिलेशन को डिफाइन करते थे। वैसे ही जो फंक्शंस है, जैसा मैंने आपको बोला है कि फंक्शंस भी एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन ही तो है, जिसमें कि क्या होता है कि हर एलिमेंट की मैपिंग होती है और केवल एक से ही होती। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन में भी जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर्स का मिलेगा। तो अगर हम बात करें टॉपिक के अगला, फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच ईच ऑर्डर्ड पेयर इज सच दैट इट्स फर्स्ट एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट होगा, जो भी मैं ऑर्डर्ड पेयर बेटा बनाऊंगा उसका ये जो पहला वाला एलिमेंट होगा, पहला वाला एलिमेंट कहां से आता था, पहले वाले सेट से आता था, belongs to set A, and the second element, जो second वाला element आएगा वो कहां से आएगा, बाद वाले set से, क्योंकि वो image होता था, तो it is the corresponding element of set B, ठीक है, पहला element set A से आएगा, दूसरा element set B से आएगा, as such a function F from A to B can be considered as a set of ordered pairs, जैसा मैंने आपको बोला है कि क्योंकि ये special kind of relations ही हैं, तो इसमें भी जो आपको answers मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा, ordered pair होंगे, तो it is also an ordered pair. ऑर्डर्ड पेयर कैसा, ए कॉमा एफ ए, किस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूं, जैसे मान लो मेरे पास ये दो सेट है, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, इसमें अगर कोई एक एलिमेंट बेटा मुझे ए मिला है तो उसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो मैपिंग होके बी मिलेगा वो बी किसके बराबर होगा, एफ ए होगा। अभी ये भी मैंने आपको बताया था जिसमें कि इस ए को उस बी का आर्ग्यूमेंट भी बोला जाता है, बी को हम इमेज भी बोलते हैं, ए को हम प्री इमेज भी बोलते हैं, सारे ये टर्म्स है धीरे धीरे अपने को याद हो जाएंगे बेटा सब, ठीक है ना। तो इट इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द फॉर्म ए कॉमा एफ ए, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए आपको दिखाई दे रहा है, एंड एफ ए बिलोंग्स टू सेट बी, ये जो एफ ए है जो आपको यहाँ मिला जो कि बेसिकली बी के बराबर था, तो ये जो सेट बी से आएगा ये वाला एलिमेंट एफ ए वाला, ठीक है, विच इज द एफ इमेज ऑफ ए, अभी अभी हमने पढ़ा है। Hence, F is also a subset of A cross B. अब आप याद करिए ये A cross B क्या था? ये A cross B था बेटा मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये A cross B जो था बेटा ये था मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट रिलेशन था और रिलेशन का ही अगर मैं बोलता हूं कि सबसेट क्या होता है, फंक्शन होता है, तो ये वही तो बात हो गई ना कि अगर F जो है वो सबसेट किसका होगा, A cross B का भी होगा। तो आई होप बेटा आपको ये पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो रही होगी। अब मैं आपको कुछ सेट बना के दिखाता हूं और उसमें अपन देखेंगे कि कौन सा वाला सेट फंक्शन को रिस्पॉन्ड करेगा और कौन कौन सा नहीं करेगा। सो बेटा जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे सामने आप देख सकते हैं चार सेट हमने बनाए हुए हैं, चार मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं सेट के, और अब इसमें हमें इन चारों में सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि इनमें से कौन सा वाला जो अरेंजमेंट है, कौन सा वाला अरेंजमेंट है वो फंक्शन के लिए करेस्पॉन्ड करेगा और कौन सा वाला नहीं करेगा, अगर करेगा तो क्यों करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, अभी अपन उसकी चर्चा करते हैं। तो आप देखो जो पहला वाला मेरा अरेंजमेंट है, पहले वाले अरेंजमेंट में सेट ए में आप देख सकते हैं चार एलिमेंट है, सेट बी में भी बेटा आप देख सकते हैं हमारे पास चार एलिमेंट दिए हुए हैं, इधर ए बी सी डी है, इधर पी क्यू आर एस है, तो बेसिकली ये वाले सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं या प्री इमेजेस हैं, ये वाले सारे के सारे इमेजेस हैं, A करेस्पॉन्ड कर रहा है B को, B कर रहा है Q को, C कर रहा है R को और D कर रहा है S को। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक फंक्शन के लिए सही अरेंजमेंट है या नहीं है, तो हमारा फंक्शन का डेफिनेशन क्या था, फंक्शन का डेफिनेशन था कि मेरे सेट A में मौजूद हर एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, पहला कि सारे एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, दूसरा हर एलिमेंट की मैपिंग उधर किसी एक से ही होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पहले एलिमेंट को दो जगह मैप कर दूं, ये नहीं होना चाहिए, एक ही से मैपिंग होनी चाहिए, ओनली वन, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं ए सिर्फ एक से मैप्ड है, बी सिर्फ एक से मैप्ड है, सी सिर्फ एक से मैप्ड है और डी भी सिर्फ एक से मैप्ड है, और सारे के सारे ही एलिमेंट्स की मैपिंग हुई हुई है, इसलिए ये तो फंक्शन होगा, ये वाला अरेंजमेंट फंक्शन होगा। अगर हम सेकेंड वाले की बात करें तो आप सेकेंड वाले में बेटा देखिए ए की मैपिंग पी से हुई हुई है, B की मैपिंग Q से हुई हुई है, C की मैपिंग R से हुई है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये D वाला एलिमेंट खाली पड़ा है, D वाले एलिमेंट की किसी से भी मैपिंग नहीं हुई है, तो क्योंकि D वाले एलिमेंट की बेटा किसी से भी मैपिंग नहीं हुई है, तो मेरा फंक्शन का डेफिनेशन क्या था, फंक्शन का बेटा मेरा डेफिनेशन बोलता था कि हर एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, पहला ही केस ये था कि हर एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इस एलिमेंट की मैपिंग नहीं हुई है इस वजह से ये फंक्शन नहीं होगा। अगर हम थर्ड वाले केस की बात करें तो देखिए ए सिर्फ पी से मैप्ड है,
बी सिर्फ क्यू से मैप्ड है, सी सिर्फ आर से मैप्ड है और डी भी सिर्फ आर से मैप्ड है और ये एस खाली पड़ा। अब कुछ बच्चों को डाउट आएगा सर कि ये तो फंक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि देखो एस खाली पड़ा और ये देखो दो जगह मैपिंग हुई हुई है सेम से, तो आपने बेटा इसका मतलब है कि डेफिनेशन गलत पड़ी। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन है। अब सुनो ये फंक्शन क्यों है, ये फंक्शन इसलिए है बेटा क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलता था कि मेरे हर एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, हर एलिमेंट की मेरे मैपिंग होनी चाहिए, सेट ए के हर एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। क्या यहां पर सेट ए के सारे एलिमेंट्स की मैप दिख रही है क्या? तो मैपिंग तो हुई हुई है। आपका जो पहला पार्ट था डेफिनेशन का वो ये था कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। आप देख लो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, यहाँ पे एक एलिमेंट खाली था, सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। उसके बाद बोला गया है कि सेट ए जो है आपका जिसकी आप मैपिंग कर रहे हो दूसरे सेट में, उधर से एक भी एलिमेंट की दो जगह मैपिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ए की मैपिंग मैंने पी से भी कर दी और ए की मैपिंग मैंने क्यू से भी कर दी, वो गलत है। दो आर्ग्यूमेंट्स की या दो प्री इमेजेस की एक इमेज चलेगी लेकिन एक प्री इमेज की दो इमेजेस नहीं चलेगी। वापस बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, अगर फिर भी डाउट रहेगा तो वीडियो रिवाइंड करके देखना। मैंने आपको बोला है कि अगर मेरे पास ये आर्ग्यूमेंट्स हैं या अगर मेरे पास ये प्री इमेजेस हैं तो पहली बात सारे के सारी प्री इमेज की कोई ना कोई इमेज मिलनी चाहिए, यहां मिल रही है। एक प्री इमेज की एक ही इमेज मिलनी चाहिए। आपके पास अगर एक प्री इमेज है तो एक प्री इमेज की दो इमेजेस नहीं हो सकती, तो क्योंकि ये एक प्री इमेज है तो उसका एक ही इमेज मिलना चाहिए। ये जरूर संभव है कि किसी एक इमेज के दो प्री इमेजेस हो, वो चलेगा कि इसका भी इमेज यही है और इसका भी इमेज यही है, ये चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि प्री इमेज तो सिर्फ एक है और इमेजेस उसकी दो दो बन गई, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर एलिमेंट मैप होना चाहिए और हर एलिमेंट केवल किसी एक से मैप होना चाहिए। इधर पे वो एक चलेगा, सेम भी होगा तो चलेगा, लेकिन इधर पे सेम नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो ये आपका फंक्शन होगा। और अगर हम लास्ट वाले बेटा केस को देखें तो लास्ट वाले आप केस में देखिए, ए का इमेज पी भी है और ए का इमेज क्यू भी, ये मेरे डेफिनेशन के अगेंस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग तो हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट की मैपिंग किसी एक से ही हो सकती है, एक एलिमेंट की मैपिंग दो जगह नहीं हो सकती। आप देख लो इस एलिमेंट की मैपिंग दो जगह हुई हुई है, इस वजह से ये गलत हुआ, इसकी वजह से। इधर इन दो एलिमेंट्स का सेम इमेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर भी तो था देखो, दो एलिमेंट्स का सेम इमेज था, यहां पर भी देखो दो एलिमेंट्स का सेम इमेज है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर ये फंक्शन नहीं है इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं बन सकते, एक प्री इमेज का दो इमेज नहीं बन सकता। सो बच्चों हमने पहला डेफिनेशन तो अच्छे से समझ लिया कि फंक्शंस होता क्या है। अब बारी है एक और डेफिनेशन की, हालांकि इसको मैंने आपको समझाया है रिलेशन से रिलेट करते हुए, तो ये वही डेफिनेशन है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन एफ। हम कैसे वाले रिलेशन को फंक्शन कह सकते, मैंने आपको ऑलरेडी ओरली ये बताया लेकिन और समझा देता हूं कि किस तरीके के रिलेशंस को हम फंक्शन कह सकते हैं। तो रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ बी। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हर एलिमेंट कहीं ना कहीं दूसरे सेट के एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ बी, किसी ना किसी से। अगर इधर के दो एलिमेंट उधर किसी एक से भी होंगे तो चलेगा, लेकिन इधर के सारे एलिमेंट्स, मेरे सेट ए के सारे एलिमेंट्स का एसोसिएशन होना ही चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज। ये वापस से बेटा वही वाली बात हो गई जिसपे हमने अरे पिछला वाला सवाल था कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं चलेगा, एक आर्ग्यूमेंट का दो इमेज नहीं चलेगा, एक प्री इमेज का दो इमेज बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी। There's a function f from a set A to a set B is a subset of A cross B। अभी भी मैंने आपको बताया कि सारे के सारे relations ही अगर Cartesian product के subset होते थे तो relations का भी एक special case function है। तो ये भी किसका subset होगा? A cross B का, in which each element A belonging to set A appears in one and only one, appears in one and only one। ये जो unique image की बात हो रही है, appears in one and only one ordered pair belonging to F। जितने भी इस फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उन सब में जो मेरा पहला एलिमेंट ए है वो केवल एक ही बार आएगा, दो बार नहीं आ सकता।
ये जितने भी मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इन सारे ही ऑर्डर्ड पेयर में ये जो पहले एलिमेंट है वो केवल एक एक बार ही आएंगे, क्योंकि एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलेगा, एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ये वाला एलिमेंट जो यहां था वो यहां भी हो जाए और यहां भी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। Hence a function f is a relation from a to b satisfying the following properties. कौन सी तीन properties हैं जिसको ये follow करता है? पहला तो ये जो function f होता है वो cartesian product का मेरा subset होता है, बहुत clear सी बात है। दूसरा ये है for all a belonging to set a, set a में मौजूद होने वाले सारे ही elements के लिए, for all a belonging to set a, this implies a comma f a belongs to f. a, f, belongs to f मतलब क्या है कि अगर यहां पर आपको a मिला है, अगर कोई भी एलिमेंट आपने सेट a में लिया है तो उसका f a कहां पर होगा? उसका f a होगा इधर सामने में। अगर ये a था तो यहां f a होगा। अगर मान लो ये a डैश था तो इसका एलिमेंट f a डैश होगा, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट है उनकी मैपिंग होगी और उनके करेस्पॉन्डिंग जो भी आपको f a मिलेगा, a कॉमा f a जो भी होगा, ये मेरे इस फंक्शन का ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को सेटिस्फाई करने वाले ये सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे कि a कॉमा f a एक ऑर्डर्ड पेयर है, फिर इस a डैश के लिए a डैश कॉमा f a डैश एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये सब इसके फंक्शन में आंसर में आएंगे। तो ये सारे के सारे इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर उस फंक्शन में होंगे, मतलब कि बोलने का सेंस सिर्फ अगेन वही है कि इस इधर मौजूद हर एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलता है? a कॉमा b बिलोंग्स टू f एंड a कॉमा c बिलोंग्स टू f इंप्लाइज b इक्वल टू c। कि अगर मान लो गलती से कभी ऐसा हो गया कि इस एलिमेंट a का एक इमेज b है और इसी एलिमेंट a का एक इमेज c भी है, एलिमेंट a का एक इमेज b है और एलिमेंट a का एक इमेज c भी है, तो हमने तो अभी देखा था कि एक आर्ग्यूमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपको सवाल बोल रहा है कि इस आर्ग्यूमेंट की दो इमेजेस है, अगर सवाल बोल रहा है कि इस आर्ग्यूमेंट की दो इमेजेस हैं और ये एक फंक्शन है ये भी बोल दिया गया, तो ये बात 100% श्योर है कि क्योंकि दो इमेज तो हो नहीं सकती थी तो जरूर ये दोनों इमेजेस सेम होंगी, जरूर ये दोनों इमेजेस सेम होंगी, तभी ये दो इमेजेस बना पाएगा, नहीं तो नहीं बना पाएगा। अगर सेम होगा सिर्फ और सिर्फ तभी, ठीक है। तो बेटा जैसे अब हमारा डेफिनेशन क्लियर हो गया है तो अब वापस हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। हमने रिलेशंस में ये वाला टॉपिक ऑलरेडी देखा है तो इसे करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपको पता ही होगा। देखिए क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है ए से बी में डिफाइंड, देन द सेट ऑफ ए, देन द सेट ए इज नोन एज द डोमेन। हमें ये बात पता ही, कि अगर मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है, तो ये जो सेट ए में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इस सेट ए के मौजूद सारे के सारे एलिमेंट्स जिनकी मैं मैपिंग करता हूं, तो इधर सेट ए में मौजूद सारे के सारे एलिमेंट्स को डोमेन बोला जाता है। एंड द सेट बी इज नोन एज कोडोमेन। ये जो मेरा सेट बी होता है इसमें जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स होते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? इन सारे के सारे एलिमेंट्स को बेटा कोडोमेन बोला जाता है। द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ए इज नोन एज द रेंज। अब हमने ये भी बात देखी थी रेंज और कोडोमेन में, जब हमने रिलेशन में पढ़ा था कि इधर वाले तो सारे ही मैप होंगे, सेट ए के तो सारे ही एलिमेंट्स की मैपिंग होगी। अब सेट बी में जितने एलिमेंट्स एज एन इमेज निकल के आ रहे हैं, सेट बी में जो जो एलिमेंट्स हैं जो किसी ना किसी प्री इमेज का एक इमेज है, सिर्फ और सिर्फ उन एलिमेंट से रेंज बनते हैं। मतलब ये है बेटा बोलने का कि रेंज जो होता है वो या तो कोडोमेन के बराबर होता है या कोडोमेन से कम होता है। रेंज कभी भी कोडोमेन के बराबर मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस, जितने भी एफ फंक्शन में हमको इमेजेस मिल रहे, द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस of elements of A is known as the range of F. Range क्या होता है? Range वो वाले एलिमेंट से मिलके बनता है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्री इमेज का एक इमेज है, ठीक है। तो डोमेन जो है, डोमेन हमने देख ही लिया है कि डोमेन जो होता है वो ये A वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये डोमेन होता है, जहां जो A वाला एलिमेंट है वो सेट A से निकल के आया है और ये A कॉमा F A जो ऑर्डर्ड पेयर है वो फंक्शन F को सेटिस्फाई कर रहा है।
और रेंज जो होता है, रेंज क्या होता है, रेंज ये सेट V के एलिमेंट्स होते हैं जो एज एन इमेज है, जो एज एन इमेज है, तो एफ ए होता है। अगर यहाँ ए है तो यहाँ एफ ए होगा, तो एफ ऑफ ए जो होता है ये हमारा होता है रेंज, और इसमें सेट ए से आता है ए वाला एलिमेंट, एफ ए जो होता है वो सेट बी में मौजूद होता है, और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा एफ ए इस फंक्शन को सेटिस्फाई करता है। ये वही बेटा बातें हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चल रहा है, जैसे ही एक दो लेक्चर में हम थोड़ा सा थ्योरी से निकल के क्वेश्चन प्रैक्टिस में आएंगे तो क्लास हमारी और बढ़िया से चलेगी, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ज्यादा हमें चीजें क्लियर होती है। थ्योरेटिकल नॉलेज से ऐसा लगता है कि यार ये मतलब बहुत बोरिंग हो जाता है, तो फिर भी मैं अपने लेवल पे बेटा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए थोड़ा सा उसमें मैं एक्साइटमेंट ला सकूं, तुमको थोड़ा सा बेटर समझ में आ पाए, बाकी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब तो अच्छे से समझ में आएगा। कुछ नोट के लिए पॉइंट है बेटा हमारे पास, ये वाला पॉइंट आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि रेंज जो होता है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है या उसके बराबर हो सकता है। सेकेंड पॉइंट लिखा है, इफ ओनली द रूल ऑफ फंक्शन इज गिवन देन द डोमेन ऑफ फंक्शन इज द सेट ऑफ दोज रियल नंबर्स वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। बोलने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने आपको दे दिया एक fx फंक्शन है, एक fx फंक्शन है विच इज लेट अस से 1/x, एकदम सरल सा फंक्शन, 1/x एक बहुत इजी सा फंक्शन है fx इक्वल टू 1/x। अब अगर आपसे बोला जाता है कि बताइए आप इसका डोमेन क्या है, फिलहाल हम रेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपसे ये बोल रहे हैं कि आप मुझे ये बताइए कि इसका डोमेन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि डोमेन मतलब वो सारी की सारी एक्स की वैल्यूज जो मैं यहां रख सकता हूं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं यहां पर कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं सिवाय एक के, यहां पर मैं कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं सिवाय एक के, कौन सा है वो सिवाय वाला एलिमेंट, वो है जीरो, क्योंकि अगर मैं एक्स की जगह पे जीरो रख दिया डिनोमिनेटर में तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका डोमेन आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स माइनस ये जो सिंगल एलिमेंट है जीरो। क्यों आ जाएगा ये, इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहां पर जीरो रखते ही फंक्शन मेरा नॉट डिफाइंड होगा, तो आपको वही बोला जा रहा है इफ ओनली द रूल ऑफ फंक्शन इज गिवन, अगर आपको सिर्फ फंक्शन का ये रूल पता है देन द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ दोज रियल नंबर्स वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड, केवल और केवल वो रियल नंबर्स जहां पर मेरा फंक्शन डिफाइंड होगा, केवल और केवल वो रियल नंबर्स जहां पर मेरा फंक्शन डिफाइंड होगा सिर्फ वही मेरे इसमें आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे पास बेटा कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब कि वो पूरे के पूरे नंबर लाइन में कंटिन्यूअसली चल रहा है, कोई स्ट्रेट लाइन हो सकती है, मतलब इस पर हम और चर्चा करेंगे, लेकिन अगर कोई भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है मतलब कि अगर उसमें कहीं पर भी बीच में ब्रेक नहीं आया, बीच में कहीं पर भी ब्रेक नहीं आया है, वो हर जगह अगर डिफाइंड है, तो वैसे वाले फंक्शंस की जो रेंज होती है वो क्या होती है, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक। जैसे मान लो ये मैंने एक्सिस बनाई होती और ये वाला जो मैंने ऐसा कर्व जैसा बनाया, अगर ये मैंने फंक्शन बनाया होता तो ये मिनिमम वाले पॉइंट से लेकर इस मैक्सिमम वाले पॉइंट तक ये उसका रेंज आ जाता, ये मिनिमम आ जाता और ये मैक्सिमम आ जाता, क्यों, क्योंकि यहां पूरे में ये कंटिन्यूअस, तो जहां से जहां तक भी वो डिफाइंड होगा उस डिफाइंड एरिया में जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू आएगी फंक्शन की, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हाईएस्ट वैल्यू आएगी, तो मिनिमम से मैक्सिमम तक की अंतर आपका रेंज आ जाएगा। सो बच्चों अब हमें जो चीज समझनी है वो हमें एक चीज समझनी है कि मान लीजिए अगर मेरे पास दो फंक्शंस हैं fx और gx, मान लेते हैं मेरे पास ये दो फंक्शंस हैं fx और gx, fx का लेटेस्ट से डोमेन है d1 और gx का मान लेते हैं डोमेन है d2, दोनों का डोमेन अलग अलग है, ठीक है, fx का डोमेन है d1 और gx का डोमेन है d2। अब ये वाली स्थिति में अगर मान लीजिए मुझे कभी भी fx प्लस gx करना पड़ा या fx माइनस gx करना पड़ा या fx मल्टीप्लाइड बाय gx करना पड़ा या आखिरी में fx डिवाइडेड बाय gx करना पड़ा, तो ये फंक्शंस का डोमेन क्या होगा, सवाल उठता है कि ये वाले फंक्शंस का डोमेन क्या होगा। तो पॉइंट बेटा ऐसा है कि अगर fx का डोमेन d1 है और gx का डोमेन d2 है, तो अकेले अगर fx की हम दुनिया में अकेले जाएं तो उस वो पूरे d1 वाले डोमेन में डिफाइंड है, d1 तक की वैल्यूज में। gx जो है वो अगर हम gx के अकेले की बात करें तो वो d2 वाली पूरी दुनिया में डिफाइंड है, लेकिन जैसे ही मैंने fx प्लस gx किया तो fx प्लस gx क्या हो जाएगा, fx प्लस gx मतलब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वैल्यूज में डिफाइंड होगा जहां पर वो दोनों डिफाइंड है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, उससे हो सकता है आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। मान लेते हैं बेटा fx की वैल्यू को हम x ले लेते हैं और gx की वैल्यू को मान लेते हैं अपन 1/x ले लेते हैं, एकदम इजी सा एग्जांपल।
अब आपको बेटा ये बात पता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स जो है वो सब जगह डिफाइंड है, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स तो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन तो हर जगह डिफाइंड होती है, y इक्वल टू एक्स है, तो ये तो सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, मतलब कि इसका जो डोमेन होगा एफ एक्स का वो डोमेन आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स, हर जगह डिफाइंड है। लेकिन जी एक्स की अगर मैं बात करूं तो 1 बाय एक्स में, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये डिनोमिनेटर में एक्स जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो अगर नहीं हो सकता तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, जी एक्स का डोमेन आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स में से सिर्फ एक एलिमेंट मेरे को हटाना पड़ेगा जीरो, तो डोमेन इसका ही आ जाएगा। अब अगर मान लो मैंने एफ एक्स प्लस जी एक्स किया और एफ एक्स प्लस जी एक्स मैंने लिख दिया एक्स प्लस 1 बाय एक्स, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, अगर मैंने बेटा x प्लस 1 बाय एक्स कर दिया तो x प्लस 1 बाय एक्स की स्थिति में जरा आप सोच कर मुझे बताइए कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका जो डोमेन होगा उसमें x की सिर्फ वो वैल्यूज आएंगी, इसके डोमेन में x की सिर्फ वो वैल्यूज आएंगी जिसमें कि मेरे दोनों ही फंक्शन डिफाइंड हो, मतलब कि मैं कोई भी ऐसा x नहीं रख सकता जिसमें एक तो डिफाइंड है लेकिन एक डिफाइंड नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही एक्स रखना पड़ेगा जिसमें मेरे दोनों के दोनों फंक्शंस डिफाइंड हो। तो इस केस में d1 इंटरसेक्शन d2 दोनों सेट्स का, अगर आपने इनइक्वालिटीज याद किया होगा, क्लास 11 में हम इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं, इनइक्वालिटीज में बेटा आपने देखा होगा कि d1 इंटरसेक्शन d2 अगर हमने बोला जाता था कि x 3 से बड़ा होना चाहिए, x 4 से भी बड़ा होना चाहिए, एक रिलेशन बोलता था, तो फाइनल आंसर हम क्या बोलते थे, 4 से बड़ा बोलते थे, क्योंकि 4 से वाली बड़ी वैल्यूज में 3 वाला भी खुश रहता था। आप याद करिए इनइक्वालिटीज में अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाके जेई 2024 का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, उसमें आप इनइक्वालिटीज के सवाल देख सकते हैं। तो जैसे हम यहां पर देखेंगे d1 इंटरसेक्शन d2, तो ये वो वैल्यूज हैं x की, ये d1 इंटरसेक्शन d2 x की वो वैल्यूज हैं जिसमें मेरे दोनों ही फंक्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं, क्योंकि d1 इंटरसेक्शन d2 मुझे क्या देता है, d1 इंटरसेक्शन d2 बेटा मुझे देता है कि वो वैल्यूज जो इन दोनों में कॉमन है, d1 और d2 दोनों में ही जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो मुझे देता है d1 इंटरसेक्शन d2, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उन कॉमन वैल्यूज को ही तो डालना है, क्योंकि मेरे दोनों ही फंक्शंस एक साथ डिफाइंड होने चाहिए, मुझे कभी भी ऐसा एक्स नहीं डालना है जहां पर कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो ये तो मैं आपको इस केस के लिए बस लिया ताकि वो आपको समझ में आए, ये सेम चीज सब में वैलिड है, अगर हम एफ एक्स प्लस जी एक्स करें तब भी वैलिड है, अगर मैं एफ एक्स माइनस जी एक्स करूंगा तब भी मुझे उसमें वही लेना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन हो, एफ एक्स इंटू जी एक्स में भी मुझे वही लेना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन हो, और एफ एक्स बाय जी एक्स में भी मुझे वही एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे जो दोनों में कॉमन हो। सिर्फ ये वाले में मुझे इसमें एक एडिशनल चीज और देखनी पड़ेगी, कौन सी एडिशनल चीज, क्योंकि यहां तक अभी तक सारी चीजें न्यूमरेटर में थी, इधर एक चीज डिनोमिनेटर में आई है, तो मुझे एक एडिशनल चीज और देखनी पड़ेगी कि gx की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती से अगर मैंने कोई ऐसा x ले लिया जिसमें gx की वैल्यू जीरो हो गई तो मेरा सवाल अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कभी भी जीरो आ ही नहीं सकता। तो बस ये वाले केस में मुझे d1 इंटरसेक्शन d2 के साथ ये भी देखना जरूरी है, बाकी और कुछ भी देखना जरूरी नहीं है, पर्पस सिर्फ इतना सा है, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि हमारा फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, फंक्शन हमारा जो डिफाइंड होगा वो कब होगा, जब हम ऐसा x लेंगे जो डोमेन d1 के भी हिस्से में है और डोमेन d2 के भी हिस्से में है। तो अभी तक बच्चों हमने फंक्शन की बहुत सारी बात कर ली, अब हमें यह देखना है कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, अगर हमारे पास कोई ग्राफ है तो उस ग्राफ को देख के हम कैसे बताएंगे कि यह फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। कोई भी अगर मैं ग्राफ देखता हूं तो मैं इस बात को कैसे देखूंगा कि यार ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो देखिए डेफिनेशन हमारे पास या जो स्टेटमेंट है हमारे पास क्या लिखा है कि लेट एफ बी अ मैपिंग विद डोमेन डी सच दैट अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस इन इट्स डोमेन शुड कट द कर्व एट ओनली वन पॉइंट। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं वाई एक्सिस के पैरेलल तो वो मेरे कर्व को केवल एक पॉइंट पे काटनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। मान लेते हैं मैं अगर आपके लिए ग्राफ बनाऊं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, पैराबोला है, पैराबोला है और कोई भी एडिशनल टर्म नहीं है, इसलिए ओरिजिन से पास होगा।
और क्योंकि इवन पावर का इसलिए सिमेट्रिक होगा। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा बहुत डिटेल में कि ग्राफ कैसे ट्रेस करते हैं, कैसे बनाया जाता है, सारी चीजें। तो ये हो गया मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो ग्राफ है उसका डोमेन क्या है। तो डोमेन तो आप बोलेंगे कि डोमेन मतलब एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए मेरा ग्राफ डिफाइंड, मेरा फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि आपको अभी अभी मैंने लिखाया था एक नोट पॉइंट में कि इफ ओनली द रूल ऑफ फंक्शन इज गिवन, अगर सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल रूल मुझे दिया गया है तो डोमेन वो सारे रियल नंबर्स होते हैं जिसमें मेरा ग्राफ या मेरा फंक्शन डिफाइंड होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो है वो इधर जो है वो बढ़ता जाएगा ऐसे ऊपर इंफिनिटी की तरफ, जैसे जैसे मैं यहाँ इंफिनिटी की तरफ जाऊंगा, और जैसे जैसे मैं यहाँ माइनस इंफिनिटी की तरफ जाऊंगा तब भी ये इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा। तो ये डिफाइंड तो हर जगह है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि क्या ये एक फंक्शन है या नहीं, क्या ये जो y है ये एक फंक्शन है या नहीं है, हो सकता है रिलेशन हो सकता है फंक्शन हो, फंक्शन है या नहीं है, तो इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन है। ये फंक्शन क्यों है, क्योंकि इस फंक्शन को टेस्ट करने का तरीका क्या है कि आप इसकी पूरी डोमेन में अगर y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बनाना स्टार्ट करें, अगर आप y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बनाना स्टार्ट करें तो आपको ये बात पता चलनी चाहिए, आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि ये इस मेरे ग्राफ को कितनी बार काट रहा है, ये इस ग्राफ को कितनी बार काट रहा है, या इसको हम बोलने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं कि हर x के लिए मुझे कितने y मिल रहे हैं, या हर x के लिए मुझे कितनी इमेजेस मिल रही हैं। देखिए अगर मैं यहां वाला x रखूंगा तो एक इमेज, यहां वाला x रखूंगा तो दूसरी इमेज, यहां वाला x रखूंगा तो उसकी अलग इमेज, यहां वाला x रखूंगा तो उसकी अलग इमेज। कोई भी ऐसा x नहीं है जिसमें दो इमेज मिल जाए, कोई भी ऐसा x नहीं है जिसमें दो इमेज मिल जाए, सबकी इमेज अलग अलग है, सबकी इमेजेस अलग अलग है, हर x के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है। वो इमेजेस कॉमन हो सकती है लेकिन हर x के लिए एक ही इमेज है। आप याद करिए दो पॉइंट की मैपिंग एक पॉइंट से हो सकती है, चलेगा। जैसे आप यहां देखिए ये और ये लगभग सेम पॉइंट में, तो इसका भी इमेज यहीं पर है, इसका भी इमेज यहीं पर है, y की वैल्यू सेम ही आई, क्वाड्रेटिक आपने पढ़ी है क्लास 11। लेकिन इस x के लिए एक ही इमेज है। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, आपको एक एग्जांपल और लेकर दिखाता हूं। मान लीजिए मैं एक सर्कल का आपको इक्वेशन बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है बेटा। तो अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है तो इस सर्कल के लिए आप जरा सोच के देखिए, क्योंकि आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि ये सेंटर रेडियस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका ओरिजिन पे सेंटर आएगा और इसका रेडियस वन यूनिट का होगा, आपको बिल्कुल ये बात क्लियर है। अब आप इसमें देखिए बेटा कि क्या अगर ये मैं पूछूं आपसे कि फंक्शन है या नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैं वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस खींचना चालू करूंगा तो मैं ये पाऊंगा कि इस एक्स का इधर भी एक इमेज मिल रहा है और इधर भी एक इमेज मिल रहा है, दो दो जगह इमेज मिल रहा है। क्या ये कभी पॉसिबल है क्या कि इस सेट में एक एक्स के दो इमेज मिल जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। एक एक्स का तो सिर्फ एक इमेज मिलना चाहिए, जो यहां हो रहा है कि हर एक्स का सिर्फ एक इमेज मिल रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो गया कि हर एक्स के प्रति मुझे दो दो इमेज मिलते जा रहे हैं, दो दो इमेज, सिर्फ इधर एक इमेज है और इधर एक इमेज है, बाकी तो सब जगह दो दो इमेज मिल रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अगर मान लीजिए मैं आपको बेटा ग्राफ बोलूं y इक्वल टू एक्स क्यूब का, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ये सब आपको मैं सिखाऊंगा कैसे देखा जाता है। तो अगर हम इस ग्राफ में भी देखें, तो इस ग्राफ में भी अगर आप देखेंगे तो देखिए जैसे मैं जैसे x माइनस इंफिनिटी की तरफ लेकर जाऊंगा मेरा y माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे मैं x प्लस इंफिनिटी की तरफ लेके जाऊंगा मेरा y प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, और जब भी मैं स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस प्लॉट करूंगा तो आप देख सकते हैं बेटा कि कोई भी x के लिए मुझे दो इमेजेस नहीं मिल रहे, हर x के लिए मुझे सिर्फ एक इमेज मिल रहा है, इसलिए दिस इज अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ऐसा इलस्ट्रेशन पसंद आया हो तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम इसी तरीके से ग्राफ्स के थ्रू पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। आप वैसा चाहते हैं या नहीं जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो
तो बच्चों अब बारी है कुछ सवालों को सॉल्व करने की। तो अगर आप चाहें तो इस वक्त आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सवालों को आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप आंसर मुझसे मैच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। तो जो बाकी बच्चे अभी वीडियो पॉज नहीं किए हैं वो यहाँ पर सुने कि हमारे पास पहला सवाल है फाइंड द डोमेन। हमें डोमेन बताना है, मतलब डोमेन का क्या अर्थ होता है। डोमेन का अर्थ होता है ऐसी एक्स की वैल्यूज जिसमें मेरा फंक्शन डिफाइंड। तो यहाँ पर जो पहला है, पहला मेरे पास लिखा है y इक्वल टू रूट ओवर 5 माइनस 2x, y इक्वल टू रूट ओवर 5 माइनस 2x। तो अगर हम रूट ओवर 5 माइनस 2x का देखें कि डोमेन क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली बात मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि अंडर रूट डिफाइंड कब होता है। अंडर रूट डिफाइंड कब होता है बेटा? अंडर रूट डिफाइंड होता है जब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव चीज हो या जीरो, कोई भी अंडर रूट तभी डिफाइंड होता है। तो सबसे पहला तो मुझे समझ में आ रहा है कि 5 माइनस 2x जो होना चाहिए वो 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर 5 माइनस 2x 0 या उससे छोटा हो गया तो मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 5 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 या x शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 बाय 2। हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, 5 बाय 2 या उससे छोटा। इसका मतलब मेरे पास डोमेन क्या आ गया, डोमेन मेरे पास आ जाएगा बेटा x belongs to minus infinity open से 5/2 पर closed। दम सरल सा सवाल। Second मेरे पास लिखा हुआ है y is equal to 1 upon under root of x minus mod x। Under root of x minus mod x। y is equal to 1 upon under root of x minus mod x। अब अगर हम under root of x minus mod x देखें तो यहां से हमें क्या चीज समझ में आती, यहां से बेटा हमें यह समझ में आता है कि अगेन यहां पर भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट लगा है। अंडर रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव या जीरो होनी चाहिए थी, यहां पर अंडर रूट के अंदर वाली चीज जीरो भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, सवाल अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मेरे पास जो मुझे समझ में आता है वो क्या है कि एक्स माइनस मॉड एक्स जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एक्स माइनस मॉड एक्स अगर पॉजिटिव होगा तभी ये मेरा सवाल डिफाइंड होगा। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा एक्स शुड बी ग्रेटर देन मॉड एक्स, यहां से मेरे पास आ जाएगा x should be greater than mod x। अब जरा आप सोच के मुझे बताइए कि क्या x कभी भी mod x से बड़ा हो सकता है क्या? देखो सोच के देखो, mod अगर आपने याद होगा 11th में पढ़ा होगा, mod x की वैल्यू x के बराबर होती है अगर x पॉजिटिव होता है, mod x की वैल्यू 0 होती है अगर x 0 होता है, और mod x की वैल्यू माइनस x होती है अगर x नेगेटिव होता है। इस तरीके से mod ऊपर होता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो देखो mod x जो है, अगर आप पॉजिटिव लोगे तो ये x की तरफ खुलेगा, तो x से बड़ा होता नहीं। अगर आप 0 के बराबर लोगे तो 0 भी 0 के इक्वल होता है। अगर आप x को 0 लोगे तो 0 और 0 बराबर हो जाएगा। और अगर आप नेगेटिव लोगे तो, अगर नेगेटिव लोगे तो देख लो ये आपके पास क्या खुलेगा, ये x नेगेटिव है और ये आपने नेगेटिव अगर खोला है तो ये माइनस x बन के खुलेगा। तो अगर ये माइनस x बन के खुलेगा तो आप देख लो, आपके पास अगर x नेगेटिव होना चाहिए और अगर ये वाला मॉड माइनस x बन के खुला है, मतलब 2x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 0 आ गया, लेकिन आपका x क्या होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था। तो बेसिकली ये जो चीज लिखी है x ग्रेटर देन मॉड x, ये कभी नहीं हो सकता। x मॉड x से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। इसलिए इस सवाल में जो डोमेन आएगा वो डोमेन के अंदर x का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो x बिलोंग्स टू फाई आ जाएगा, जहां पर हम फाई को नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसा आपने देखा होगा, जैसा आप देख सकते हैं कि अब अगला हमारे पास सवाल लिखा है फाइंड द रेंज। फाइंड द रेंज, और रेंज क्या होती है, रेंज होती है कि मेरे डोमेन के लिए x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज का मूवमेंट कहां से कहां तक है। क्योंकि इसमें कोई सेट की तो बात हो नहीं रही कि मैं ये देख लूं कि कहां कहां पर इमेज बन रहा है उसको रेंज बोल दूं, ये तो सवाल है। तो आप याद करिए, सवाल वाले क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको एक पॉइंट अभी लिखाया था कि अगर मेरे पास कभी भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन आ जाए तो मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू को रेंज कहा जाता है, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू को रेंज कहा जाता है। जो पहला वाला सवाल है बेटा, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन बोलने का मतलब है कि अगर आप लॉगरिथमिक कर्व देखेंगे तो लॉगरिथमिक कर्व डिफाइंड रहता है हर जगह, लॉगरिथमिक कर्व हर जगह डिफाइंड रहता है।
ठीक है ना। अगर आप चाहें लोगैरिथम में आपको डाउट हो तो अगेन आप जेई 2024 की सीरीज देख सकते हैं प्लेलिस्ट में से, उसमें लोगैरिथम अपन ने काफी डिटेल में कवर किया हुआ है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो आप मुझे ये सोच के बताइए कि आपको देखिए ये तो दिखाई दे रहा है कि ये लॉग के अंदर वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये पॉजिटिव है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, होल स्क्वायर है और उसमें 4 ऐड हो रहा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सवाल ये उठता है कि अगर मुझे इसका रेंज बताना है तो मुझे एफ की मिनिमम वैल्यू बतानी होगी। अगर हमें इसका रेंज बताना है तो हमें एफ की मिनिमम वैल्यू और एफ की मैक्सिमम वैल्यू बतानी होगी, वही मेरा रेंज देगा। तो अगर हम इसके मिनिमम वैल्यू की बात करें तो आप जरा सोच के देखिए, अगर आपको याद होगा तो लॉगरिथमिक कर्व जो होता है बेटा, लॉगरिथम का जो कर्व होता है, देखिए यहां पर बेस 1 से बड़ा है, बेस जब 1 से बड़ा होता है तो लॉग का बेटा जो कर्व आता है वो कुछ ऐसा आता है, जब बेस 1 से बड़ा होता है, और जब बेस 1 से छोटा होता था तो उसका कर्व ऐसा आता था, अगर आप याद होगा आपको लॉगरिथम। तो क्योंकि ये लॉगरिथमिक कर्व है तो आप देख सकते हैं दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन बोलने का मतलब क्या है, ये सब पढ़ा हुआ है अपन ने 11th। इंक्रीजिंग फंक्शन बोलने का मतलब ये है कि जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे log की वैल्यू भी बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आर्ग्यूमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे log की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मेरा आर्ग्यूमेंट सबसे छोटा होना चाहिए, और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मेरा आर्ग्यूमेंट सबसे बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा कि आर्ग्यूमेंट को सबसे छोटा लो। अब ये आर्ग्यूमेंट सबसे छोटा कब होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 जो है ये मिनिमम होना चाहिए, ये सबसे छोटा होना चाहिए। तो ये सबसे छोटा कब होगा बेटा, ये सबसे छोटा होगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि एक होल स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम 0 होती है और उसके बाद तो वो इनफाइनाइट तक जा सकता है, कभी भी नेगेटिव तो होता नहीं एक होल स्क्वायर। तो क्योंकि एक होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0, और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आएगी कौन से x पे, x इक्वल टू 1 पे। तो एट x इक्वल टू 1 सोचो, जब x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा ये पूरा, और ये आएगा 4। तो ये आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट हो जाएगा 4। तो अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग रूट 2 और नंबर की जगह पे 4, और लॉग बेस में रूट 2 और नंबर की जगह पे 4 अगर हम लिखे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए बेटा देखिए, आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ है लॉग 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, रूट 2 को लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2। ये जब घूम के आगे आएगा तो देख लीजिए ये 2 इधर आएगा, ये हाफ नीचे आएगा तो 2/2, तो आंसर आएगा 4। और बात सही भी है, रूट 2 का मैं पावर 4 करूंगा तो 4 आ जाएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू तो कितना आ गया, मेरे पास पूरे के पूरे इस सवाल का मिनिमम वैल्यू आ गया 4, जो अटेनेबल है। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 ये मैक्सिमम होना चाहिए। और एक होल स्क्वायर मैक्सिमम क्या हो सकता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में 4 ऐड करूंगा तब भी इनफाइनाइट। तो ये पूरी की पूरी चीज, ये पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे आर्ग्यूमेंट इन्फिनिटी की तरफ जाता है वैसे वैसे लॉग का कर्व भी किधर जाता है, इन्फिनिटी की तरफ। मतलब कि ये जो पूरा लॉग का कर्व है ये कहां पर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 4, तो इसका आंसर होना चाहिए 4 क्लोज्ड से इन्फिनिटी। अगला अगर हम सवाल बेटा देखें 3 माइनस कॉस एक्स, तो 3 माइनस कॉस एक्स भी जो है वो क्या है, 3 माइनस कॉस एक्स भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। अब अगर मुझे 3 माइनस कॉस एक्स का रेंज बताना है तो इसका अगर मुझे रेंज बताना है तो अलग अलग तरीके होते हैं, मैं आपको बहुत सरल सा तरीका बता दूं। कॉस एक्स जो होता है, कॉस एक्स कहां से कहां वेरी करता है, देखो इसका डोमेन तो सारे रियल नंबर है, डोमेन तो सारे रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस एक्स वेरी करता है माइनस 1 से 1, तो अगर कॉस एक्स माइनस 1 से 1 वेरी करता है तो यहां पर माइनस कॉस एक्स अगर मैं करूंगा तो माइनस कॉस एक्स करते ही क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स करते ही इस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, और ये माइनस 1 है तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा, इनइक्वालिटी का हमने साइन रिवर्स कर दिया। और उसमें 3 अगर मैं ऐड कर दूं हर जगह तो 3 माइनस कॉस एक्स कहां से कहां हो जाएगा, 3 अगर हम हर जगह ऐड कर दें तो हमारे पास ये जो 3 माइनस कॉस एक्स है, जो y था या fx था, तो fx आ जाएगा बेटा हमारे पास 2 से 4 तक।
टू से फोर तक। तो ये जो सेकंड वाला सवाल है इसका आंसर आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट टू से क्लोज ब्रैकेट फोर तक, ठीक है। और पहले वाले सवाल का आंसर आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट फोर से इंफिनिटी तक। इसको अगर करने का आपको कोई और अच्छा मेथड भी आता हो, मुझे आते हैं तो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन अगर आपको आता हो तो जरूर मुझे कमेंट्स में आप बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ हम पहुंच चुके हैं आज के लेक्चर के एंड में। मैंने आज आपको दो होमवर्क दिए हैं, एक तो मैंने आपको सबसे पहले रिलेशंस वाले होमवर्क दिए थे, और रिलेशंस वाले होमवर्क आप बनाएंगे, जहां पे भी आप फंसेंगे आप मुझे बता देंगे। सेकंड होमवर्क आपके लिए ये वाला देख लीजिए, पूरा का पूरा है। इस होमवर्क को भी आपको अटेम्प्ट करना है और अपने आंसर्स को आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला जब लेक्चर आएगा तो उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में इस वाले होमवर्क के आंसर शेयर आपसे कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा का पूरा बढ़िया से समझ में आएगा। तो अगर आपको बढ़िया से समझ में आया है तो जरूर आप इसके नोट्स प्रॉपरली बनाइएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू।